आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सोशल रिफॉर्मर की, जिन्होंने अपने रिफॉर्म से सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया। भैया जिस टाइम पे भारत में बहुत सारे सोशल इविल्स थे, औरतों का सम्मान बिल्कुल नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, प्रथाएं बहुत ज्यादा थी, आइडियल वर्शिप्स होती थी, उस समय स्वामी दयानंद आगे आए और इन्होंने एक नारा दिया, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ चलो, सबका सल्यूशन एक ही है। स्वामी दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की, जिन्होंने जो लैंडमार्क बुक है सत्यार्थ प्रकाश, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी, जो कि बेस है, आर्य समाज का बेस है सत्यार्थ प्रकाश। तो हम स्वामी दयानंद सरस्वती की पूरी लाइफ देखेंगे, पूरी जिंदगी देखेंगे और रिफॉर्म्स देखेंगे और थॉट्स देखेंगे, आर्य समाज के बारे में भी जानेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया दोस्तों, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगर दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो उनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 में गुजरात में हुआ था। इनका जो असली नाम था, जो बचपन का नाम था, मूलशंकर था। ये इनका जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए दोस्तों अगर हम दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो हम इनके जीवन को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग जो इन्होंने घर में जीवन बिताया, जो ये घर पे रहे 1824 से लेके 1845 तक, ये पूरा का पूरा फेज था। उसके बाद भाग गए घर से, ये एसेटिक हो गए, ठीक है। इन्होंने बोला कि नहीं अब मुझे सब कुछ मतलब ये सब त्याग देना है, क्योंकि इनकी शादी की बात चल रही थी और फिर उसके बाद शादी इनके लिए नहीं बनी थी। इन्होंने कहा कि शादी मेरे लिए बनी ही नहीं है और वहां से भाग गए। उसके बाद ये पूरे भारत में भ्रमण करते हैं एज अ सन्यासी, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, अध्ययन करते हैं, मथुरा पहुंचते हैं, वहां पे गुरुजी से दीक्षा लेते हैं। तो ये जो फेज चला है ये 1845 से लेकर 1863 तक चला, 1869 तक एक्सटेंड हो गया था। उसके बाद फाइनल जो फेज था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, 1875 में आर्य समाज की स्थापना 1863 से लेके 1883 तक। दोस्तों बताना चाहता हूं कि स्वामी दयानंद जी ने हर धर्मों पे बहुत बुरी तरीके से वार किया है, हर धर्म को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। धर्मों में जो कुप्रथाएं होती हैं, जो भी गलत चीज होती है, चाहे वो बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सबको इन्होंने पकड़ पकड़ के मतलब काफी क्रिटिसाइज किया है। दूसरी चीज ये है कि इनका मेन एम यही था कि जो सोशल इविल्स को तो हटाया जाए और एक नई सोसाइटी बनाई जाए जिसमें जो आइडियाज हो, लिबरल आइडियाज हो, हर किसी को अधिकार मिले। उसके लिए ये पूरे देश में घूमते थे, बहस करते थे और बड़े बड़े स्कॉलर्स को इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट से हरा दिया था, ये चीज थी। अब दोस्तों आगे बढ़ती है जिंदगी। इनके पिताजी जो बहुत ही मतलब इनका जो परिवार वो बहुत ही जो धार्मिक था और बचपन से ही इनको भगवान का इंपॉर्टेंस बताने लगे थे, और इनका जो परिवार था वो भगवान शिव भक्त था, शिव की पूजा करते थे। तो बचपन से ही किस तरीके से भगवान शिव को खुश करना है ये सरस्वती जी को बताया जाता था। लेकिन दोस्तों एक इवेंट ऐसा था, एक बार क्या हुआ था कि शिवरात्रि का दिन था और जो प्रसाद भगवान शिव को चढ़ाया जाता, जो ऑफरिंग्स दी जाती है भगवान शिव को, उसको एक चूहा खा रहा था। तो वहां पे ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है, वहां पे सरस्वती जी ने ये क्वेश्चन किया, ये सवाल किया कि यहां पे जो हम पूजा करते हैं भगवान शिव की, इनकी ऑफरिंग्स को एक चूहा खा रहा है, भगवान शिव एक चूहे को तो मार नहीं पा रहे हैं, कैसे पूरी दुनिया को बचाएंगे। ये सवाल इनकी जीवन में फिर ऐसा सवाल था जो इनकी जिंदगी चेंज करने वाला था। 8 साल की उम्र में दोस्तों इनको यजनोपावित संस्कार यानी कि उपनयन, उपनयन क्या होता है भैया, जनेऊ, मतलब लड़का जो है वो पढ़ने के लिए तैयार हो गया है, हिंदुइज्म को समझने के लिए तैयार हो गया है, अब गुरु उसको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा। ये उपनयन सेरेमनी होती थी, यजनोपाविता संस्कार, ये इनका 8 साल की उम्र में होता है, मतलब हिंदुइज्म के स्कूल में इनकी एंट्री हो गई और वहां से इनकी एजुकेशन शुरू होती है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बताया ये जो इंसिडेंट हुआ था, 14 साल की उम्र में हुआ था कि जब शिवरात्रि थी, ये पहला लाइफ चेंजिंग इवेंट था, शिवरात्रि थी, इन्होंने एक चूहे को देखा कि भगवान शिव की ऑफरिंग्स खा रहा है और वहां पे इन्होंने सवाल कर दिया।
दूसरा दोस्तों, जब इनकी छोटी बहन की डेथ हुई थी, कॉलरा से उनकी डेथ हुई थी, तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, और उसके बाद सवाल आने लगे थे कि जिंदगी का मतलब क्या है, मौत का मतलब क्या है, क्या है हमारा जीवन। और ये जब सवाल पूछने लगे, माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बेटा किधर जा रहा है, ये तो सन्यासी हो जाएगा, इसको रोकना पड़ेगा। ऐसा ही होता था भैया, आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स और जब वो सन्यासी होते हैं, ठीक है, हमारे मोदी जी भी, ठीक है, जब वो इस पाथ पे चलने लगते हैं तो परिवार वाले सबसे पहले चिंतित हो जाते हैं कि कहीं ये सन्यासी ना हो जाए, भाई वो तो चिंता करेंगे ना। अरे एक लड़का जो होता है वो अपने माता पिता का तो सबसे ज्यादा चाहता होता है, स्पेशली अपनी मदर से तो बहुत ज्यादा अटैच होता है, तो कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि वो सब कुछ त्याग के सन्यास के रास्ते पे चला जाए। लेकिन ऐसा ही किया दयानंद सरस्वती जी ने, वो सन्यास के रास्ते पे चले गए। जब उनकी शादी की बात आई, उन्होंने घर को छोड़ दिया, 21 साल की उम्र में वो घर से भाग गए। और ये भी एक कॉमन है कि हर कोई घर से भाग जाता है, और हर कोई कहां जाता है भाग के, हिमालय। तो हिमालय गए, उसके बाद पूरे नॉर्दर्न रीजन में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे, हर किसी से सवाल पूछते रहे कि क्या तुमको पता है कि डेथ, लाइफ, ये सब क्यों होती है, इनका मतलब क्या है, कोई भी नहीं बता पाया। फिर ये पहुंचे मथुरा, एक बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर के पास, जिनका नाम था विराजानंद दांडीशा, इन्हीं के ही छात्र थे दोस्तों। और विराजानंद दांडीशा ने स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों की शिक्षा दी थी। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कठोर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, ऐसा बोला जाता था इनके बारे में कि इनके पास बहुत ही कम स्टूडेंट है जो टिक पाते हैं, इतना ज्यादा दंडित करते थे ये। एक स्टोरी भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ था कि कोई बात हो गई थी और दयानंद सरस्वती को बहुत मारा था, छड़ी ली विराजानंद ने और बहुत मारना शुरू कर दिया और बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया कि तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तुमको कुछ नहीं आता, ये वो बहुत मारना शुरू कर दिया। उसके बाद जब वो थक गए, दयानंद उठे, उन्होंने अपने गुरु से बोला, आपके हाथ को कष्ट हुआ, मुझे खेद है। उसके बावजूद विराजानंद ने बोला कि तुम बेवकूफ हो, जब तुमको कुछ आता नहीं है तो करते क्यों हो। तो नयन सुख जो कि एक और स्टूडेंट था उसी गुरुकुल में और विराजानंद का सबसे चहेता शिष्य था, उसने ये बोला कि गुरुजी आपको भी पता है दयानंद कितने ज्यादा, मूल शंकर कितने ज्यादा मेधावी हैं, आपको भी पता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तब उसके बाद इनके गुरु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर दयानंद से बोला कि आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा और भविष्य में हम आपको पूरा सम्मान देंगे। दोस्तों जब पूरी एजुकेशन पूरी हुई, तब इनके गुरु जी ने ही मूल शंकर को ऋषि दयानंद की उपाधि दी थी, ठीक है, दीक्षा जब उनको दी थी। और उसके बाद जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद इनके गुरु ने बोला कि आज के बाद तुमको कोई भी कष्ट नहीं होगा, हम आपका पूरा सम्मान करेंगे, तो दयानंद बोलते हैं नयन सुख से कि यार देखो, तुमको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी सिफारिश क्यों की। अगर कोई गुरु किसी को दंडित करता है वो उसकी भलाई के लिए करता है, तुम मेरी वहां पे सिफारिश कर रहे हो। इस तरीके का कुछ नेचर था दयानंद का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ना कि उनका इंटेलेक्ट कितना था। यहां अगर किसी को भी जरा सा कुछ बोल भी दो, वो तो ऐसे अटैक करने लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, टच भी हो जाए तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। तो इस तरीके का सम्मान करते थे दयानंद अपने गुरु का। वैसे दोस्तों वेदों में तो सबसे ऊपर ही है उपनिषद, जो एक एक्सटेंशन है वेदों का, उसमें तो बोला ही गया है कि सर्वोच्च गुरु है, गुरु वो है जो आपको ज्ञान का रास्ता दिखाता है, बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति है ही नहीं, और मोक्ष अल्टीमेट एम होता है। मैंने हिंदुइज्म पे पूरा सेपरेट सेशन लिया है दोस्तों, मेरा एक घंटे का सेशन है, दो पार्ट्स में है, आधे आधे घंटे के, आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों इनकी एजुकेशन पूरी होती है और यहां पे फिर ये अपना सोशल वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सोशल वर्क 1875 में दयानंद सरस्वती ने जब देखा कि सोसाइटी में इतने सारे शैतान घुसे पड़े हुए हैं, पंडितों का दबदबा है, सेरेमनीज होती हैं, ये लिया वो लिया, एस्ट्रोलॉजी से दयानंद सरस्वती बहुत चढ़ते थे। आपको बता देता हूं कि एक बार दयानंद सरस्वती ने बोला भी था कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इंसान जाता है किसी पंडित के पास और वो पंडित बोलता है तारे ऐसे हैं, ये दान कर दो, सूरज की वजह से तुम्हारा जीवन चल नहीं रहा है, ये समझ के बाहर है।
वैसे दोस्तों मैं थोड़ा सा इससे क्या कहता हूँ असहमत हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक साइंस है और हर चीज़ ड्राइव करती, मतलब साइंस से ड्रिवेन है, मतलब ये पूरा साइंस ही है, क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर्स ने भी यही बोला है और बहुत सारे इवन जो बड़े बड़े ज्ञाता हुए वो भी यही बोलते हैं कि साइंस और रिलीजन ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज हैं, ठीक है, इनको अलग नहीं देखना चाहिए, है ना। खैर वो एक अलग ही मुद्दा है, उस पर फिलहाल हम नहीं जाते हैं, लेकिन दयानंद सरस्वती ने एकदम भर भर के क्रिटिसाइज किया, सबको लपेटे में लिया, है ना, ऐसा कोई भी नहीं था। तो एस्ट्रोलॉजी से भी काफी चिढ़ते थे कि ये सूरज और इन सबसे मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे किसी का जीवन ये प्लैनेट से रिफॉर्म होता है, बिल्कुल सोच के बाहर है। तो दयानंद सरस्वती ने जब देखा कि इतने रिचुअल्स होते हैं और एजुकेशन, औरतों को तो एजुकेशन मतलब इम्पार्ट की ही नहीं जा सकती, उस समय औरतें पढ़ ही नहीं सकती थी, छोटी छोटी उम्र में औरतों लड़कियों की शादी हो जाती है और लड़कियों को वेदों का पाठ पढ़ने की भी अनुमति नहीं है। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो विडो रिमैरिज है वो भी पॉसिबल नहीं है, फिर एक्सप्लॉयटेशन देखा इन्होंने, कास्टिज्म देखा इन्होंने, आइडल वर्शिप इतनी ज्यादा थी, इतने सैक्रिफाइसेस होते थे, इतनी बलि दी जाती थी कि क्या बताएं। जब समाज में इतने ज्यादा सोशल इविल्स थे, दोस्तों मौका मिला तो मैं जरूर बताऊंगा कि उस समय भारतीय समाज क्या कैसा था, आपके होश उड़ जाएंगे, है ना, काफी दिक्कतें हो गई थी। आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि दयानंद सरस्वती ने हर धर्मों पे मतलब उन्होंने अपने मत दिए, मतलब उन्होंने अपने रीजंस दिए हैं कि हर धर्म को किस तरीके से देखना चाहिए, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी गौ रक्षा। दयानंद सरस्वती ने शुरू से ही गायों की रक्षा एक पूरा संगठन बना दिया था कि किस तरीके से गाय पूजनीय होती है और उनकी तो भैया रक्षा करो। और आपको पता है हिंदू मुस्लिम दोनों ही इससे सहमत थे, वो तो बाद में वो ब्रिटिश सरकार थे, ब्रिटिश सरकार ने किस तरीके से षड्यंत्र करके हिंदू और मुस्लिमों को डिवाइड कर दिया, लेकिन आपको पता है कि गौ रक्षा के नाम पे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक मत थे, दोनों ही चाहते थे कि हाँ, क्योंकि ना मुस्लिम गाय खाते थे और हिंदुओं के लिए तो पूजनीय होती है, ये खाली ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ऑफिशियल्स खाते थे, ठीक है। और आपको बता दूं हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई भी तब तक दंगा नहीं था, जी हाँ, एक भी, सब हर कोई प्यार से रहता था, वो तो बाद में कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो दयानंद सरस्वती को एक तरीके से यूनिफायर भी बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिमों को साथ में भी लेके आ गए थे। बहरहाल उनका जो समाज था, जो आर्य समाज की बात करें तो ये एक नया समाज था, ये हिंदू रिफॉर्मेशन था, बैक टू वेदा, वेदों की तरफ चलो, वेदों से ही सोसाइटी रिफॉर्म होगी और जो बुरी चीज है उनको बिल्कुल भी फॉलो मत करो। आर्य समाज हालांकि अभी तो पतन पे है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं, वो क्यों पतन पे और इतना राइज नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे अब आर्य समाज में भी दिक्कतें चालू हो गई हैं। अब दोस्तों अगर हम 10 आर्य समाज के इंस्ट्रक्शंस की बात करें कि क्या बोलता है ये, ठीक है, तो आपके सामने ये है। आर्य मतलब होते हैं नोबल्स, ठीक है, और समाज मतलब सोसाइटी, तो भैया नोबल्स की सोसाइटी, नोबल्स कौन, इंटेलेक्चुअल्स, हर किसी का ज्ञान हो, फ्री हो, लिबरल हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट्स होने चाहिए भैया सोसाइटी में किसी के पास। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है भगवान, ठीक है, वेदों में तो ब्रह्म को ही सबसे महान समझा गया है, ठीक है, आइडियल वर्शिप को नकार दो, पत्थरों की पूजा मत करो, उस ब्रह्म को समझ लो, तो भगवान जो है वो अल्टीमेट सोर्स है ट्रू नॉलेज का। उसके बाद वही भगवान वही है, था, रहेगा, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, मर्सीफुल, ब्लिसफुल और हमेशा रहेगा, उसी को समझो, उसी की पूजा में लग जाओ, आइडल वर्शिप मत करो। दूर दूर जाके, जरूरी नहीं है कि मंदिरों में जाके बड़े बड़े बड़ी खूब पैसों की ऑफरिंग्स दो, परंपराएं करो, रिचुअल्स करो, सैक्रिफाइसेस करो, ये सब बिल्कुल जरूरी नहीं है, घर में भी बैठ के भगवान का अगर जाप कर रहे हो तो वो आपके साथ है, ये बोलना था आर्य समाज का। उसके बाद दोस्तों भैया सच्चाई को बिल्कुल एक्सेप्ट करो, झूठ को नकार दो। उसके बाद धर्म के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बिल्कुल गलत और सही में फर्क करना सीखना चाहिए इंसान को धर्म के अकॉर्डिंग। अब धर्म ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, हर किसी का सेम तो नहीं होता है ना, एक स्टूडेंट का क्या धर्म है, वो पढ़ाई करे, ठीक है, एक जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें जो इंसान होता है उसका क्या धर्म है, अच्छे से जिम्मेदारियां निभाए, उसका ये धर्म थोड़ी ना कि वो पढ़ाई करे, तो धर्म भी अलग अलग होता है। उसके बाद सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है
कि दुनिया का भला करो, यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दयानंद सरस्वती ने बताया था कि हर एक इंसान इक्वल है, दुनिया का भला करो, यूनिवर्सलिज्म। बताओ भैया, बहुत सारे स्कॉलर्स ने दयानंद सरस्वती को सन ऑफ गॉड बोला है, ठीक है, गॉड ऑफ मतलब भगवान का बेटा, तो ये चीज है। उसके बाद हमारा हर किसी के प्रति जो कंडक्ट होना चाहिए, प्यार भरा होना चाहिए, सही होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। बिल्कुल अविद्या को हटा दो, मतलब इग्नोरेंस को बिल्कुल हटा दो, पढ़ाई करो, ज्ञान अर्पित, ज्ञान अर्जित करो, नॉलेज को लो, ताकि आगे बढ़ सको और समाज का भला कर सको। खाली अपने बारे में नहीं सोचो, समाज के बारे में सोचो, और ये सारे के सारे रूल फॉलो करो, सोसाइटी अपने आप रिफॉर्म हो जाएगी। तो ये आर्य समाज का कहना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है, ठीक है। यहां पे आइडियल वर्शिप हो गए, पिलग्रिमेज हो गए, दूर दूर जाना मंदिरों में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हजार हजार किलोमीटर की जर्नी तय करना और उसके बाद बोलना मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये कुछ सही नहीं लगता है, ये बोला था दयानंद सरस्वती की। और आपको बता दूं कि इतने अगर उस समय इतने खुले विचार होंगे अगर किसी भी रिफॉर्मर के और किसी भी इंसान के, तो सोसाइटी उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, इनको बहुत ज्यादा बहस करनी पड़ती थी, लेकिन इनको इतना ज्यादा ज्ञान था कि इनसे कोई जीत ही नहीं पाता था। तो इस तरीके का कुछ है, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी आर्य समाज, और पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए ये आगे थी। अब दोस्तों ऐसा है कि यहां पे एजुकेशनल रिफॉर्म भी चालू कर दिए थे, भैया अविद्या बोला ना कि इग्नोरेंस को तो बिल्कुल, एक इंसान जिसको कुछ नहीं मालूम सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ है, पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ो, ज्ञान अर्जित करो। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स ये बहुत ज्यादा जरूरी थे, और स्वामी दयानंद ने इसके लिए स्टेप्स लिए। डीएवी कॉलेज जो आज भी है, ठीक है, आज डीएवी कॉलेज की बात करें, दयानंद एंग्लो वर्नैक्युलर कॉलेज, वो तो पूरे भारत में फैला हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेजेस है, ठीक है, जहां पे एजुकेशन दी जाती है। और इनका यह भी मानना था कि लैक ऑफ नॉलेज है, यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हिंदुइज्म को प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जा रहा है। मैंने बताया ना कि जैसे जैसे वेदों का जो निर्माण था वो तो डिवाइन रेवलेशन था, ठीक है, सीधे ब्रह्म से निकली हुई वाणी, और वही कंपाइलेशन था कि किस तरीके से आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, वर्ण व्यवस्था एस्टैब्लिश होती है, और उसके बाद ऐसा एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है कि बहुत सारे साल लग जाते हैं कि पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म करने में। और टेक्निकली बोले तो अभी तक सोसाइटी तो रिफॉर्म तो पूरी तरीके से तो ही नहीं, ये प्रथाएं तो अभी भी चल रही हैं, हम देखते हैं अपने सोसाइटी में, स्पेशली अगर आप विलेज एरिया में जाएं। तो ये चीज थी। अब दोस्तों आर्य समाज जो है इनका, ये जो है इसने क्या इंस्पायर किया, सेल्फ गवर्नेंस, इक्वल राइट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट औरतों के बारे में दोस्तों इन्होंने, इनके विचार जो थे वो सबसे बेस्ट थे। हर औरत को रिस्पेक्ट करो, औरतों को तो एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंसान को, एक इंसान जब शादी करता है तो ये वो निश्चित करे कि उसकी जो बीवी है वो एजुकेटेड हो। तो ये चीज है, और इस पर काफी डिबेट होती थी। एक बार दोस्तों 22 अक्टूबर 1869 में वाराणसी में डिबेट हुई थी, जो सबसे बड़ी एक दयानंद सरस्वती की डिबेट को बोला जाता है। 27 स्कॉलर्स थे, 12 पंडित थे, 50,000 लोगों के सामने ये बहस हुई थी, दयानंद सरस्वती इसमें जीते थे। तो इस तरीके से दयानंद सरस्वती का करियर की बात करें तो वो रहा है, वो भ्रमण करते थे और बस अपने ज्ञान को फैलाते रहते थे, और जो भी उनको टोकता था उनसे वो बहस करते थे और जीत जाते थे। और उसके बाद बहुत सारे फॉलोअर्स आए, उन्होंने गुरुकुल्स बनाए, आर्य समाज की टीचिंग्स को फैलाने में मदद की। दोस्तों भारत के जो आजादी अभियान होने वाले थे, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने भी दयानंद सरस्वती की टीचिंग्स को अप्लाई किया। वैसे तो दयानंद सरस्वती कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं थे, ठीक है, उनका ना ही कोई मंशा थी कि वो पॉलिटिक्स में जाए, लेकिन इनके जो व्यूज थे उन्होंने रिफॉर्म करने में बहुत ज्यादा मदद की। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि सारे धर्मों के लिए उन्होंने क्या कहा है, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो जाए, ये सही नहीं है। तो दोस्तों लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर बताऊंगा, हर धर्म के लिए इनके विचार जो थे अलग थे। क्रिश्चियनिटी में इन्होंने बोला था कि अगर हम बाइबल को देखें तो बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि गलत हैं,
जो कि पाप को दर्शाते हैं, जो कि इमोरैलिटी को दर्शाते हैं, जो कि इमोरल है, क्रुएलिटी को दर्शाते हैं, धोखे को बताते हैं और पाप को बढ़ावा देते हैं, तो ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है ना। तो ये चीज इस्लाम के लिए भी इन्होंने यही कहा, ठीक है, कि क्यों भगवान उन सबसे नफरत करता है जो नॉन इस्लामिक है, क्यों बोलता है कि सबको मार दो। तो उसके लिए भी जैनिज्म के लिए तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया, जैनिज्म को तो उन्होंने बोला कि बहुत ही ज्यादा ये सही रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है, नॉन जैन्स के खिलाफ काफी हॉस्टाइल है ये। और बुद्धिज्म को भी बोला कि बुद्धिज्म भी बिल्कुल एंटी वैदिक है, एथिस्टिक है भैया। श्रमण परंपरा जो है, श्रमण परंपरा क्या थी, श्रमण परंपरा ये थी कि इन्होंने तो वेदों की टीचिंग्स को नकार दिया था ना, जैनिज्म बुद्धिज्म आजीविक अज्ञान चार्वाक ये सब श्रमण परंपरा में थे। मैंने अभी जब पिछले हफ्ते वर्धमान महावीरा का लेक्चर लिया था तो मैंने उसमें सारी चीजें बताई थी, बताया था कि नहीं इन्होंने तो वैदिक परंपरा को पूरी तरीके से नकार दिया कि हम तो नहीं मानते कोई वेद होते हैं, और स्वामी दयानंद तो बोलते ही थे कि बैक टू वेदास, वेदों की तरफ चलो, वहीं से ही हमको सही रास्ता मिलेगा। तो जाहिर से बात है कोई भी ऐसा धर्म जो वेदों को अटैक करता हो स्वामी दयानंद उसके खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। तो बुद्धिज्म पे तो इन्होंने बोल दिया था कि ये तो ऐसा रिलीजन है बिल्कुल एथिस्टिक है, इनकी तो टीचिंग ही समझ में नहीं आती है। तो ये सारी चीजें थे, इनडायरेक्टली बोला लेकिन बोला तो था सब चीजें। और आर्य समाज ने ये सारी प्रैक्टिसेस, इन पे तो बहुत तो जितनी भी जो समय सोशल लेवल से ये देख सकते हैं आपके सामने है, ठीक है। पूरे वेजिटेरियन हो जाओ भैया, मीट ईटिंग बिल्कुल खत्म कर दो, आइडियल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए और पिलग्रिमेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी ये चीज होती थी प्रीस्ट क्राफ्ट, जो उस समय के पंडित होते थे वो ढेर सारा पैसा ऐंठते थे, कोई भी काम करवाना है भैया मंदिर आ जाओ पूजा कर लो, और खूब सारा पैसा वो लेते थे जो जो कि पीड़ित होता था उससे, तो इससे इनकी बड़ी मोटी कमाई होती थी। और एकदम कायदे से इन्होंने इस पे अटैक किया। दोस्तों एसासिनेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इन पे एसासिनेशन अटेम्प्ट हो चुके थे, ठीक है। इतने फ्री थिंकर थे उस समय में जब ये सब बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी, तो इन पे एसासिनेशन अटेम्प्ट हो गई, तो इनको मारने की कोशिश की जा चुकी थी। लेकिन दोस्तों 1883 का वक्त था, महाराजा ऑफ जोधपुर जसवंत सिंह द्वितीय ने इनको बुलाया था और इनके फॉलोअर बनना चाहते थे, इनके डिसाइपल बनना चाहते थे। वहां पे एक बार इन्होंने देखा कि महाराज जो है वो नन्ही जान एक डांसर है, उसका डांस देख रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं। तो यहां पे इन्होंने एडवाइस दी महाराज को कि ऐसा है कि ये बिल्कुल मत करो, एक आर्य समाज ही ऐसा नहीं करता, ठीक है, आर्य बनो, नोबेल बनो। ये चीज जो है, जो डांसर थी उसको बहुत नागवार गुजरी, उसका मूड खराब हो गया, उसने एक साजिश रची और वहां का जो कुक था, जो खाना बनाता था, जो रसोईया था, उसको उस डांसर ने ये बोला कि इनके खाने में, इनके दूध में ग्लासेस मिला दो, पीस ऑफ ग्लासेस मिला दो। अब क्या है कि जब महाराज दयानंद सरस्वती जी ने वो दूध पिया, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी कुक ने क्या किया था कि उसमें पीस ऑफ ग्लासेस डाल दिए थे, कांच के टुकड़े डाल दिए थे, जैसे ही वो अंदर गया तबीयत खराब हो गई, बहुत दिक्कत हुई। और उसके बाद फिर जसवंत जो कि कुक था उसने ये अपना गुना कबूल किया कि हाँ मैंने ये काम किया है। लेकिन उसी वक्त महाराज कह रहे दयानंद सरस्वती ने उनको उसको फॉरगिव कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले ये बात महाराज को पता चले तुम ये पैसा लो और यहां से निकल जाओ, क्योंकि अगर पता चला तो तुमको मार देंगे। जब महाराज जसवंत सिंह को पता चला कि तबीयत बहुत खराब हुई है तो बहुत कोशिशें की बचाने की, माउंट आबू भेजा, लेकिन सुबह 6 बजे दिवाली के दिन 30 अक्टूबर को दयानंद सरस्वती ने आखिरी सांस ली और अपने प्राण त्याग दिए। तो ये पूरा जीवन था दयानंद सरस्वती का। दोस्तों आर्य समाज की बात करें तो इस समय तो काफी एक्टिव है, हालांकि धीमे 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 आर्य समाज पतन की ओर जा रहा है, उसके भी बहुत सारे कारण है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म सब आर्य समाज के होने लगे हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये वेदों के ही विरुद्ध चला गया है, बिल्कुल वेदों के विरुद्ध। सत्यार्थ प्रकाश जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ये आर्य समाज का आईना है, बताती है आर्य समाज को और बेस है, तो उसमें भी मतलब काफी लोगों ने उसको भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और ये हर देश में आर्य समाज अब हर देश में प्रैक्टिस किया जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क की बात करें दोस्तों तो आप देख ही सकते हैं। और हाँ एक चीज और बता दूं कि फ्रीडम मूवमेंट्स में दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा हाथ था।
बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के आइडियल थे स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि जो जिस तरह से उनके व्यूज थे उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट किया। उसके बाद दोस्तों वेदों पे तो इनकी पूरी स्टडी थी, पूरी पीएचडी थी एक तरीके से, अष्टाध्यायी, पनिनी की अष्टाध्यायी। वैसे मैंने ऋषि पनिनी का एक सेपरेट लेक्चर लिया है, और अष्टाध्यायी बहुत ही ज्यादा कठिन बुक, जो कि फाउंडेशन टेक्स्ट था, संस्कृत ग्रामर का फाउंडेशन टेक्स्ट था अष्टाध्यायी, उसको समझ के आसानी से इन्होंने लिखा। वेदंगास भी लिखे और उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश तो लिखी, और अद्वैत वेदांत इस्लाम क्रिश्चियनिटी को भी समझाया। तो ये चीज थी। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती पे मैंने सब कुछ बताया है। कोई भी सवाल हो मेरे फेसबुक पेज पे जरूर पूछें। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।